तस्वीर तुम देख पा रहे हो। आ तस्वीर ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जिथे कि जो हॉकी टीम के प्लेयर्स उत्थे पहुंचे ने, शानदार स्वागत वेलकम हॉकी टीम का किया जा रहा। भारतीय हॉकी टीम ने 52 साल बाद ओलंपिक्स में लगातार दूजी बार यानी कि ब्रोंज मैडल बैक टू बैक दो ब्रोंज मैडल जीते ने। वेखा जा सकता है कि सख्त सुरक्षा पहरे के हेठ बड़ी तादाद जो फैंस ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्थे पहुंचने ते ढोल दे धमाकियां दे नाल हॉकी टीम का जो है स्वागत बेहद ही शानदार स्वागत किया जा रहा है। फुलां दे हार पाए जा रहे ने ते भारतीय हॉकी टीम ने 52 साल बाद ओलंपिक्स में लगातार दूजी बार ब्रोंज मैडल हासिल किया है। भारत ने कांसी के तगमे के मुकाबले में स्पेन को 2-1 के नाल हराया सी। टीम इंडिया की इस जीत के हीरो रहे सी कप्तान हरमनप्रीत सिंह वालों भी दो गोल किए गए सी। हरमनप्रीत सिंह इस तो पहला भी दमदार प्रदर्शन कर चुके हैं। History has been created once again by these players winning two consecutive medals, first in 2020 in Tokyo and now ते दिल्ली पहुंची है भारतीय हॉकी टीम। पैरिस ओलंपिक्स तो ब्रोंज मेडल जीत के वापस परती है। शानदार स्वागत किया जा रहा है। तमाम बड़ी तादाद उत्थे प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हुए ने, फैंस बड़ी तादाद उत्थे पहुंचे ने ते शानदार स्वागत हॉकी टीम दा किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें तुम देख पा रहे हो। अभी हम कैमरे से पीछे हैं लेकिन इनसे बड़ी मुस्कुराहट हमारे चेहरे पे है। कितने खुश ये तमाम प्लेयर्स नजर आ रहे हैं। देखिए ब्रोंज अपना हाथों में लिए ये तमाम लोग दिख रहे हैं। मैं लगातार तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। प्लेयर्स के नाम जानना बेहद जरूरी है। हरमनप्रीत, जर्मनप्रीत, सुमित वाल्मीकि, शमशेर सिंह, मनप्रीत यहाँ पर, मनदीप यहाँ पर, हार्दिक, विवेक सागर, ललित उपाध्याय, गुरजन सिंह, ये तमाम लोग यहाँ। और देखिए नाच शुरू हो गया। देखिए माहौल बन गया, ढोल पर नाचते थिरकते नजर आ रहे हैं, डांस करते हुए। हरमनप्रीत सरपंच साहब जिन्हें कहा जाता है, एक रिएक्शन यहाँ देंगे, सुनने की कोशिश करेंगे। हरमन आप इंडिया बुला सकते हैं। बिल्कुल, आई थिंक मेडल मेडल होता है और देश के लिए मेडल लेके आना सबसे बड़ी बात है। जो हमारी कोशिश थी कि हम फाइनल तक जाएं और गोल्ड मेडल जीतें, बट अनफॉर्चुनेटली वो हमारा सपना पूरा नहीं हुआ। बट हम खाली हाथ वापस नहीं आए एंड बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल जीतना ये भी हिस्ट्री है हॉकी के लिए और आई थिंक बहुत प्राउड है हम। किसको डेडिकेट करेंगे ये मेडल? ये पूरे इंडिया को करेंगे कि जितना आप लोगों ने सबने प्यार दिया है हमें, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये स्पोर्ट आपकी हमेशा हमारे साथ रहे, यही उम्मीद करते हैं। आई थिंक काफी इमोशनल मोमेंट था उनके लिए भी, क्योंकि इतना समय उन्होंने जो हॉकी को दिया है, टीम को दिया है, आई थिंक वो बहुत बड़ी बात है। एंड लास्ट मैच खेलना और मेडल के साथ फिनिश करना, इससे बड़ी बात उनके लिए भी कोई नहीं है। तो हमारा यही था कि उन जो वो जा रहे हैं तो उनको अच्छे से भेजें, मेडल के साथ भेजें और हम बहुत खुश हैं उनके लिए। बट ऑफकोर्स अभी वो रिटायरमेंट दे चुके हैं, बट वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। नो डाउट। बिल्कुल सर, आई थिंक जो स्पोर्ट मिल रही है स्पोर्ट्स को और सभी गेम्स को, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रियली वांट टू थैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे साई बेंगलोर और आई थिंक साई के एंड जो हमारी उड़ीसा गवर्नमेंट है एंड हमारी हॉकी इंडिया, आई थिंक जिस इनकी बहुत बड़ी सपोर्ट है हमें। और एज ए प्लेयर सबको यही होता है कि आपको सब सपोर्ट मिले, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो आपकी पूरी हो, तो आई थिंक वो हमें मिली है और आई रियली वांट टू थैंक। वन लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, दो मेडल्स लगातार
इंडियन हॉकी टीम ने ओलंपिक्स में जीता है, क्या कहेंगे? लास्ट क्वेश्चन, बहुत खुश हैं और बहुत प्राउड हैं क्योंकि हॉकी के लिए बहुत बड़ी बात है और जितना प्यार अब मिल रहा है हॉकी को और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी डबल करता है और हम भी कोशिश करेंगे कि जब भी मैदान में जाएं और देश के लिए मेडल लेके आएं। थैंक यू मेडल। ते जो हॉकी टीम है वो इंडिया पहुंच चुकी है, ते शानदार वेलकम हॉकी टीम दा कीता गया है, फुल्ला दे खार उन्हां दे गल च पाए गए ने। इसी विचाले हरमनप्रीत सिंह जो कैप्टन ने उन्हां नाल गलबात कीती जा रही थी, उन्हां दा कहना सीगा कि मेडल मेडल ही हुंदा है, कोशिश सी असी फाइनल तक पहुंचिए, गोल्ड जीतिए, पर बैक टू बैक दो ब्रॉन्ज मेडल्स जीते ने असी भारत दे लई। श्रीजेश जो जिन्हां दे वल्लों रिटायरमेंट ले ली गई है उन्हां दे बाबत भी बोलते हो हरमनप्रीत सिंह कैप्टन नजर आए, उनका कहना सीगा कि शानदार विदाई ग्राउंड पे ही उन्हां नूं दित्ती गई है, पर वो सदा ही हमारे साडे नाल रहेंगे, ते जिन्ना प्यार हॉकी नूं मिल रहा है ते हरमनप्रीत सिंह का कहना है कि हुण साडी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डबल हो जाती है। तमाम हॉकी टीम दीआं तस्वीरां इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो बाहर दीआं, गल च ब्रॉन्ज मैडल पाए बैक टू बैक क्योंकि दो ब्रॉन्ज मैडल भारतीय हॉकी टीम दे वल्लों पैरिस ओलंपिक्स जीते गए ने, दो ब्रॉन्ज मैडल्स जीत के पैरिस ओलंपिक्स तो भारतीय हॉकी टीम इंडिया पहुंच चुकी है। दस दें कि स्पेन दे नाल मुकाबला सी, स्पेन नू 2-1 दे नाल मात दित्ती भारत ने। हरमनप्रीत सिंह स्पेन की हार का कारण बने, मैच का पहला क्वार्टर काफी दिलचस्प रहा, इस विच दोवां टीमां ने सख्त मुकाबला दिता पर गोल नहीं हो सकिया, पर स्पेन ने 18वें मिनट विच गोल किया, हालांकि हरमनप्रीत ने स्पेन नू ज्यादा देर खुश नहीं रहन दिता, हरमनप्रीत ने 30वें मिनट विच गोल किया, ढोल टमक्या की थाप दे नाल भंगड़ा पाया जा रहा है, ते इस विचाले स्वागत शानदार स्वागत इंडियन हॉकी टीम का किया जा रहा है, ते इस शानदार हॉकी टीम से तमाम जो देशवासी ने उन्होंने वालों बधाई भी दी गई थी, पीएम नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, जो सीएम ने पंजाब के भगवंत सिंह मान उन्होंने वालों भी बधाई दी गई थी, हालांकि सीएम भगवंत मान के वालों ऐलान कर दिया गया कि तमाम जो हॉकी खिडारियों 1-1 करोड़ की इनामी राशि भी दी जाए। तमाम तस्वीर जो हॉकी टीम इंडिया पहुंची है, शानदार स्वागत हॉकी टीम का किया जा रहा है। भारतीय हॉकी टीम ने 52 साल बाद बैक टू बैक दो ब्रॉन्ज मेडल्स भारत की झोली में पाए, हरमनप्रीत सिंह कहते हुए नजर आए, साड़ी कोशिश थी कि असी फाइनल तक पहुंचिए ते इंडिया नूं गोल्ड मेडल दवाईए, पर साड़ी कोशिश कितना कितने कुछ कमी रह गई, तो इस विचाले पर बैक टू बैक दो ब्रॉन्ज मेडल जीते ते भारत की झोली उन्होंने वालों पाए गए। श्रीजेश से असी गल करिए गोलकीपर नूं शानदार विदाई ग्राउंड से ही तमाम हॉकी टीम के वालों जो पूरा मैच जीत लिया गया उस तो बाद दित्ती। दिल्ली पहुंच चुकी है भारतीय हॉकी टीम, पैरिस ओलंपिक्स तो ब्रॉन्ज मेडल जीत के वापस परती है, तमाम तस्वीर तुम देख पा रहे हो, सारे ही खिलाड़ी एक ही फ्रेम च नजर आ रहे हैं, गर्ल्स जो हार पाए हुए ने नाल ही ब्रॉन्ज मेडल भी पाए हुए ने, शानदार स्वागत हॉकी टीम का किया जा रहा है।